क्या आपने कभी दुनिया की सबसे खतरनाक डॉग को देखे हैं, जिसको पालना कई देशों में बैंड भी है? क्या आप कभी ऐसे डॉग को देखे हैं, जिसको भेड़िया और कुत्तों का क्रॉसब्रीड से बनाया गया है? और हमारी इस लिस्ट पर ऐसा भी एक डॉग है जो 2005 से अभी तक 300 से भी प्लस लोगों को अपनी घातक हमलों से मार चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की ऐसी कुछ डेंजरस डॉग्स के बारे में बताऊंगा जो आप अब से पहले कभी नहीं सुने होंगे। हमारी इस लिस्ट पर नंबर 10 पर है उल्फ डॉग। ज्यादातर जर्मनी और यूरोप में पाए जाने वाली ये डॉग भेड़िया और कुत्तों की क्रॉसब्रीड से बनाया गया है, इसलिए इस डॉग में भेड़िया की कई गुण नजर आते हैं। इस डॉग को ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल काम होते हैं। ये डॉग इतना खतरनाक है कि अगर इन्हें ऐसा लगे कोई चीज इनकी है और इनसे वो चीज छीना जा रहा है तो ये बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं और अपना मालिक के ऊपर हमला करने से भी दोबारा नहीं सोचते। नंबर 9 पर है साइबेरियन हस्की। ये डॉग दुनिया की सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है। ये डॉग आमतौर पर नॉर्मल डॉग के तरह ही होते हैं, लेकिन इनका अंदर बहुत ही सहन शक्ति होते हैं और ये प्रजाति का कुत्ता बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। ये डॉग मालिक के प्रति हमेशा वफादार रहते हैं। इनकी आँख काले रंग के होने का कारण इसको देखने में और भी डेंजरस लगता है। अगर इस डॉग की प्रजाति को अच्छा से ट्रेनिंग नहीं दिया जाए तो ये बच्चे और बूढ़े के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाती है। ये डॉग 4 फीट तक ऊंची छलांग मार सकता है और 6 फीट ऊंची दीवार फांद सकता है। ये डॉग इतना खतरनाक होता है कि जिस लोहे का चेन से बंधे हुए रहती है उसे भी आसानी से तोड़ सकता है। नंबर 8 पर है चाउ चाउ। ये प्यारा से दिखने वाली डॉग को अगर ठीक से ट्रेनिंग नहीं किया जाए तो ये लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक बन जाती है। अगर इन्हें थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल महसूस होता है तो ये बहुत ही गुस्से हो जाते हैं। ये डॉग गुस्से होने पर किसी को भी नहीं छोड़ते। ये डॉग की प्रजाति यूरोप की सबसे पसंदीदा डॉग्स में से एक है। इसकी हाइट 55 सेंटीमीटर और वेट 35 किलो तक ही होते हैं। नंबर 7 पर है डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना की मूल डॉग ब्रीड है जो कि बिल्कुल सफेद रंग की होते हैं। इन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर कुत्तों में से शामिल किया जाता है। इस डॉग की लंबाई लगभग 27 इंच और वेट 45 केजी तक होते हैं। इस डॉग का इस्तेमाल ज्यादातर जंगली सुअरों की शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर इस डॉग को इसकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता है। ये कुत्ता इतना ताकतवर होता है कि कई किलोमीटर बिना थके ये रन कर सकता है। अगर ये किसी इंसान पर अपना नोकीला दांतों और मजबूत जबड़े से हमला करते हैं तो उसकी मांस तक बाहर निकाल देती है। एक बार 2012 में लाइव प्रोग्राम की दरमियान वहाँ की एंकर पर ये डॉग अटैक कर दिए थे, जिसके वजह से उस एंकर की होंठ पर 70% लगवाना पड़े। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रजाति का डॉग कितना खतरनाक होते हैं। नंबर 6 पर है रोटोवाइलर। ये प्रजाति का कुत्ता समझदार और शारीरिक रूप से बहुत ही ताकतवर होते हैं। ये प्रजाति का कुत्ते को ज्यादातर घर में सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुरू में इसका ट्रेनिंग रोटोवाइल शहर में किया जाता था, जहाँ पर इनका काम बोझे को उठाना था और संपत्ति की घुसपैठियों से सुरक्षा करना था, इसलिए इस डॉग का नाम रोटोवाइलर पड़ा। और अब इस डॉग का प्रयोग पुलिस डॉग की तौर पर किया जाता है। अपनी मजबूत शरीर की वजह से ये भारी काम भी आसानी से कर सकता है। इस प्रजाति का कुत्ता उन प्रजाति का कुत्तों का वंशज है जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। 2014 में इन कुत्ते की करने के वजह से 3 लोगों की मौत भी हुए और 1993 से 1996 के बीच कुत्तों की करने से हुई मौत के जिम्मेदार रोटोवेलर और पिटबुल दोनों ही जिम्मेदार थे। उसके बाद से इस डॉग को आयरलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, मलेशिया और सिंगापुर में इसका बैन लगा दिया गया है। नंबर 5 पर है जर्मन शेफर्ड। ये डॉग दुनिया की सबसे खतरनाक डॉग्स में से एक है। ये अपनी मास्टर का प्रति सबसे वफादार होते हैं। इस डॉग को अपने इंडिया की कई सारे घरों में देखे भी होंगे। अगर इस डॉग को किसी चीज से खतरा महसूस होता है तो ये किसी पर भी हमला करने से नहीं डरते। इस डॉग को दुनिया की हर देश में पाला जाता है, लेकिन इसको अगर सही से ट्रेनिंग नहीं दिया जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इस डॉग को ट्रेनिंग की सख्त जरूरत होते है। इनकी हाइट 65 सेंटीमीटर और वेट 40 केजी तक होते है। नंबर 4 पर है ग्रेट डॉन। ये प्रजाति का डॉग दुनिया की सबसे बड़ा डॉग होता है और इनका इतना बड़ा शरीर ही इनको ताकतवर और आक्रामक बनाते हैं। इनकी हाइट 85 सेंटीमीटर और वेट 90 किलो तक होते हैं। इनका बड़ा सा चेहरा देखकर ही कोई भी शिकारी इनसे दूर भागता है। ये डॉग यूरोप की कुछ ही जगह में पाया जाता है, जिसके लिए इसका प्राइस दूसरी डॉग से काफी ज्यादा होते हैं। नंबर 3 पर है डोबरमैन। ये डॉग इतना खतरनाक होते हैं कि अगर इस डॉग का आप आसपास भी हो तो अपनी सुरक्षा खुद ही कीजिए, क्योंकि ये डॉग अपने ओनर के प्रति सबसे वफादार होते हैं और खतरा की भनक लगते ही ये हमला कर देते हैं। ये डॉग को ज्यादातर गार्ड डॉग के तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसकी हाइट 70 सेंटीमीटर तक होते हैं और ज्यादातर देश में इस ब्रीड को पालने से बैंड भी कर दिया गया है। नंबर 2 पर है जापानी टोसा। इस डॉग को जापान में खूनी खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इस डॉग को फालतू बनाना बहुत ही मुश्किल होते हैं। ये डॉग लड़ाई के लिए सबसे ज्यादा फेमस है और इन डॉग का भौंकने का आवाज भी काफी डरावना होते हैं। इस ब्रीड को पालने से यूके और आयरलैंड में बैन किया गया है। इन डॉग्स को दूसरे देशों में ले जाने के लिए कुछ विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि कई किलो मांस एक दिन में ये खा सकता है। इस डॉग की हाइट 82 सेंटीमीटर और वेट 60 किलोग्राम तक होते हैं। तो फाइनली नंबर 1 पर है पिटबुल। इस प्रजाति का कुत्ता आकार में छोटा होने के बावजूद भी खतरनाक और आक्रामक होते हैं।
दुनिया में 12 देशों में इस डॉग को पालने से बैन कर दिया गया है, लेकिन कुछ देशों में ये ब्रीड को अभी भी पाला जाता है कि इनका उपयोग वजन खींचने वाले कंपटीशन में किया जाता है। इनका शरीर काफी मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। इस कई ताकत के वजह से इस डॉग को फाइटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस डॉग की मजबूत जबड़े से कोई भी चीज को छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होते हैं। इसकी एग्रेसिव रूप को रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है। 2005 से 2017 तक इस कुत्ते का काटने से 284 लोगों का मौत भी हो चुके हैं। अगर इन डॉग को अच्छा से ट्रेनिंग नहीं दिया जाए तो ये और भी खतरनाक और खूंखार हो जाता है। हाल ही में लखनऊ में एक घर पर पालने वाला पिटबुल ओनर की घर का मेंबर को काट लिए, जिसके वजह से उनकी मौत भी हो चुके। दोस्तों, इन सारे डेंजरस डॉग्स में से आपको सबसे डेंजरस डॉग कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक तुम्हारा भाई का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर।